तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दात एंड स्वागत है आपका एक और नई स्टोरी में। आज की स्टोरी हमें एक ऐसा मैसेज देगी कि कई बार हमारी जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, वो भी हमारी ज़िंदगी बचा सकती है। तो शुरुआत करूँगा। एक लड़का एक चॉकलेट की कंपनी में काम करता था। एक दिन की बात है, उसने अपना काम पूरा करते करते लेट हो गया और वह उस कमरे में पहुँच गया जहाँ पर सारी चॉकलेट को ठंडा किया जाता था। पूरा कमरा इतना ठंडा था कि कोई भी आदमी कुछ घंटों बाद ही मर जाए। काम में उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि कब उस कमरे का गेट बंद हो गया। अब वह मुश्किल में फंस गया क्योंकि कल सुबह तक कोई भी इस कमरे का गेट नहीं खुलने वाला था। उसे एहसास हो गया कि उसकी मृत्यु निकट है। वह भगवान से दुआ मांग रहा था कि कोई आए और उस कमरे का गेट खोल दे और उसे बचा के ले जाए। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, हे भगवान, अगर कोई भी अच्छा काम मैंने किया हो तो प्लीज़ मुझे एक बार बचा लो। वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, तभी बाहर बैठा गार्ड को कुछ शक हुआ और वह अंदर आया तो सामने एक आदमी बेहोश था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तुरंत ही उस आदमी को उठाया और ले जाकर हीटर से उसके शरीर को गर्म किया और कुछ ही देर बाद उसे होश आया। वह आदमी उस गार्ड को बोला, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर उस गार्ड ने बोला, भाई, तुम मुझको रोज़ नज़र आते और आते और जाते समय मुझे नमस्ते किया करते थे। आज यह बहुत ही कम लोग हैं जो मुझे नमस्ते करते, लेकिन तुम एक ऐसे इंसान हो जो मुझे जितनी बार देखते उतनी बार नमस्ते करते। आज जब तुम फैक्ट्री से बाहर नहीं आया तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं फैक्ट्री के अंदर गया और मुझे तुम्हारी ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ हुई और फिर मैं तुमको यहाँ पर लाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उस आदमी की जान सिर्फ उस नमस्ते करने वाले गार्ड ने बचाई। इसलिए ज़िंदगी में कई बार हमारी छोटी छोटी आदतें भी हमारी ज़िंदगी बचा सकती हैं। अगर आपको ऐसी और स्टोरी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।